हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम उमेर है। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस दीवार की मैं आपको स्टोरी बताता चलूँ। ऊपर जो हमारे किराएदार रहते हैं, उनके किचन का वो बेसन लीक हुआ तो पूरा पानी यहाँ भर गया था। तकरीबन ये 2 महीने की पहले की कहानी है। सही है, जिसमें 1.5 महीना ये पानी बहता रहा है। सही है, मैं ब्लॉगिंग भी करता रहा हूँ ना, तो मैंने दिखाया नहीं है। सही है, तो ये मेरे ख्याल से कल काम हुआ है, आई थिंक। हाँ, का शायद कल काम हुआ या परसों काम हुआ है। तो अब ये देखो, ये पूरी दीवार ऊपर से ये पूरी उन्होंने तोड़ी और वापस सीमेंट वीमेंट लगाई, फिर ऊपर भी काम हुआ बेसन का। सही है, उनको भी हमने बता दिया था कि भाई अभी काम हुआ है तो ज़्यादा पानी का काम मत करें। शायद उन्होंने वापस पानी का काम किया है। तो देखो ये देखो, ये गीला हो रहा है और ये देखो ये सूख गया है और ये अभी भी गीला है। अब पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं कि उनको मना भी कर दिया है कि भाई आप बेसन यूज़ ना करें, 1 दिन 1.5 दिन यूज़ ना करें, लेकिन फिर भी देखें हालत, देखें क्या हो गई मेरी पूरी दीवार की। लेकिन ऊपर वालों को फिक्र नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी बह के नीचे आ रहा, तो नीचे मेरा कमरा पूरा ख़राब हो गया। मैंने अपनी तस्वीरें लगाई हुई थी, सब पूरा ख़राब हो गया। देखें, बात तो सही है। आज तो बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज तो। हो, बहुत गर्मी है। सो गाइस, अब क्या कर सकते हैं इसमें। अब वो जाहिर सी बात है वो नहीं सुन रहे, वो ऊपर से बेसन अपना ऑन करते हैं, वो बह जाता है, फिर मेरा कमरा ख़राब हो जाता है। क्या करें, मैं तो परेशान हो गया हूँ भाई, साफ सी बात। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि आज मैं क्या बना रहा हूँ। वो तो खैर आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि मैंने क्या बनाया है, लेकिन मैंने बहुत प्यारी चीज़ बनाई है। और वो मैंने क्यों बनाई है उसकी भी मैं रीज़न आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों बनाया है। सही है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। और आपको बताऊँ आज खाने में क्या है। कल हमारे रात में पड़ोसी के घर से एक चीज़ आई थी, थोड़ी सी मैंने खा ली, थोड़ी सी मैंने रख ली कि कल सुबह खाऊंगा। सही है, तो वो पता है क्या चीज है, वो है रबड़ी। असंभव, इतने मजे की रबड़ी कल आई थी हमारे पड़ोसी के घर से। और ये है कि मैंने थोड़ी सी रात में खा ली, थोड़ी सी बचा के मैंने इसमें रख दी थी कि यार अब मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगा, तो अभी मैं रबड़ी के साथ नाश्ता करूंगा। हाय हाय, इतना सुकून। बस ये निवाला हम तोड़ेंगे, ओए होए 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 होए, और ये रबड़ी में लगाएंगे, ओए होए 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 होए। ये निवाला बन गया रबड़ी वाला, और इसको हम बहुत मजे की है भाई रबड़ी, वाह। हमने तो खा लिया, अब ये अम्मी का निवाला है, अब ये अम्मी को भी हम खिलाएं ना भाई। अम्मी कैसा है, कैसा है? वाह वाह, नहीं वाह वाह, ना 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 ना, वाह वाह, शाबाश शाबाश लड़की, शाबाश। तो गाइस, कोई खाना बचा नहीं? वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो गाइस, रबड़ी वाला नाश्ता मैंने कर लिया है, और मुझे पता है आप लोगों का बहुत दिल चाह रहा था मुझे देख के, चड्ढा समझाओ इसे, कि हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, मुझे पता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अब जाहिर सी बात है, अब आई थी रबड़ी, खाई थी मैंने, क्या बताऊँ कितने मजे की थी। तो गाइस, अब ये बातें तो होती रहेंगी खाने पीने की, अब बात कर लेते हैं काम की, प्रोजेक्ट की। और ये प्रोजेक्ट बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए। सही है, अच्छा भाई, ये प्रोजेक्ट का ख्याल मुझे कैसे आया? मुझे ऐसे आया कि हम कल गए नानी के घर। सही है, अब नानी के घर जब गए तो वहाँ लाइट नहीं, जब वहाँ लाइट नहीं तो मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता, तो मैं वीडियो एडिट कैसे करता, और मुझे कल अपलोड भी करनी थी वीडियो। अब मैंने बोला अब क्या करें, पावर बैंक है नहीं, और पावर बैंक जो होते हैं वो इतनी जल्दी चार्ज नहीं करते, और जो चार्ज करते हैं जल्दी वो बहुत महंगे होते हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मेरा मोबाइल तो डेड है, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो उन्हीं के घर में एक रखी हुई है 12 वॉल्ट की एक बैटरी, बड़ी वाली, और उसमें भी जुगाड़ हुआ हुआ है। और वो जुगाड़ क्या है, वो जुगाड़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, यही वो बैटरी है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसके अंदर कनेक्शन दिए हुए, हर रूम में एक 12 वॉल्ट की एक LED लगी हुई है, और एक नानी के रूम में एक 12 वॉल्ट का फैन चलता है इस बैटरी से। सही है, तो इस बैटरी में है बहुत सारी एनर्जी, सही करंट भरा हुआ इस बैटरी में। तो मैंने बोला लाइट नहीं है लेकिन ये बैटरी चल रही है ठीक ठाक, तो इस बैटरी के अंदर कुछ ऐसा लगाओ कि मेरा मोबाइल आराम से चार्ज हो जाए। सही है ना, तमीज सीख लो। उस बैटरी को देख के फिर मेरे जहन में एक जुगाड़ आया, मैंने बोला यार क्यों ना हम एक जुगाड़ लगाएं और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएं, जो कि हमारे गाड़ी में भी, मेरी खास तौर पे मेरी गाड़ी में भी काम आ जाएगा,
और मैं अगर नानी के घर इन फ्यूचर में जाता हूँ या रहने जाता हूँ, ये गैजेट मेरे लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पावर बैंक तो मैं अभी नहीं खरीद सकता हूँ, पावर बैंक इतनी जल्दी चार्ज भी नहीं करता मोबाइल, लेकिन एक चीज चार्ज कर सकती है जो मेरा प्रोजेक्ट है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक 12 वॉल्ट का लाइटर जो कि गाड़ी में लगता है, ये वाला आपने देखा होगा, ये गाड़ियों में लगा हुआ होता है लाइटर, सही है, और इसमें चार्जर लगता है, सही है, और ये बहुत ही आसानी से मिल गया मुझे, सही है, तो ये मेरी गाड़ी में तो लगा हुआ है लेकिन वहाँ से मैं निकाल नहीं सकता तो मुझे प्रोजेक्ट के लिए अलग से लेना पड़ा ये, सही है। अब प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक ये लाइटर मिल गया, सही है, और मुझे ये दो क्लिप चाहिए थे, एक रेड ग्रिप में और एक ब्लैक ग्रिप में, मतलब नेगेटिव ओ सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, सही है, और मुझे चाहिए था एक वायर, इतना लंबा वायर चाहिए था, सही है। तो ये बहुत सस्ता प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत काम का है, आप लोग से गुजारिश है वीडियो पूरी देखिएगा। नहीं सो गाइस, ये सारा सामान तो मेरे पास आ गया है, सही है। अब आप बोल रहे होंगे कि यार इस लाइटर में लगाओगे क्या, तो गाइस इस लाइटर में लगाएंगे हम ये चार्जर, सही है, जो कि गाड़ी में लगता है, ये मैं अपने खालू से लेकर आया हूँ, सही है, बड़ी रिक्वेस्ट करके लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे पास चार्जर नहीं था, सही है। अब ये चार्जर है, सही है, अब ये चार्जर को हमने इस तरीके से फिट कर देंगे, सही है, जब ये फिट कर देंगे और इसके कनेक्शन देंगे हम 12 वोल्ट की बैटरी में, सही है, लेकिन इसके कनेक्शन कैसे देंगे कि ऐसे देंगे कि परमानेंटली दे देंगे, इसको हम फ्री रखेंगे, इसके वायर्स को हम फ्री रखेंगे, सही है, और इसका पूरा हम एक तरीके से बॉर्डर बनाएंगे यानी एक फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर ये फिट हो जाएगा, एक बाकायदा एक चार्जर लगेगा, सही है, और उसके बाद फिर हम इसको हर बैटरी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार बैटरी है या घर में कोई बैटरी रखी हुई है, तो जब मैं नानी के जाऊँगा मोबाइल चार्ज करना भी बहुत आसान हो जाएगा, सही है। जब तक मेरे पास ये चार्जर नहीं है तो हम खालू का चार्जर इस्तेमाल करेंगे, कहाँ, नानी के घर, सही है। कुछ भी, तो आइए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। मैंने एक चीज़ मंगाई थी दराज से, ये उसी चीज़ का बॉक्स है, तो ये मैंने किसी और काम के लिए रखा था, लेकिन अब अचानक से ये प्रोजेक्ट जहन में आ गया मेरे, सही है, तो मैंने ये बॉक्स जो है वो इस चीज़ के लिए रख लिया। सो गाइस, मैंने यहाँ पे सुराख करना है और इसको मैंने अंदर डाल देना है ऐसे, और साइड में बटन लगाना है मैंने यहाँ पे, सही है, तो जल्दी से इसमें हम छोटा सा होल करते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये लग चुका है, बड़ी बड़ी मुश्किलों से लगा है ये, अंदर टाइट हुआ है, इतनी सी जगह में ना इसको घुमाना बहुत मुश्किल था, सही है। सो गाइस, अब करना क्या, अब हम करेंगे वायरिंग। वायरिंग में सबसे पहले हम पॉजिटिव वायर लगा देते हैं क्योंकि बहुत आसान है इसको लगाना, और इस पर हम लगा देंगे आराम से। ये टाइट हो गया, अब ये पीछे जो प्लास्टिक है इसके, ये हमने इसके ऊपर चढ़ा देनी है ताकि नेगेटिव वायर इसे टच ना हो। सी, इतना अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक वायर है, नेगेटिव वायर जो थे जो कि मैंने अभी कटिंग करके रखे हैं, सही है। अब नेगेटिव वायर लगा देते हैं। अरे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि भाई बटन भी तो लगाना है, बटन भूल के बैठा हूँ, गजब बेइज्जती है। गाइस ये देखें, मुझे बटन मिल चुका है, अब करना क्या है कि मैंने इसको यहाँ पे लगाना है, सही है, यहाँ पे इसको लगाना है और उसके बाद फिर मैंने अंदर वायरिंग करनी है। ये देखें, मैंने सोल्डिंग कर दी है, सही है, और ये है कि सोल्डिंग बहुत अच्छी हुई है इस बटन पे, तो अब बटन लगाते हैं। सो गाइस देखें, बटन लग गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है अम्मी, है छोटा सा चार्जर। सो गाइस आइए अब इसके अंदर की वायरिंग को चेक करते हैं। सो गाइस अंदर की वायरिंग में ये करना है कि हमने इसको नेगेटिव में लगाना है बस, फिर बस ये पॉजिटिव वायर जोड़ना है बस, बाकी और कोई काम नहीं है। सो गाइस देखें, ये वायरिंग अंदर की हो चुकी है, सही है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब ये है कि अब पॉजिटिव वायर जोड़ना है अब मैंने। नहीं।
तो गाइस ये देखें, मैंने टाइम बचाने के लिए इसके ऊपर देखें कितना वर्क किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ये है कि इसके पे शीट चढ़ा दी मैंने, इस पे क्लिप्स लगा दिए और देखें कितने खूबसूरत लग रहा है ये अब। सॉरी ये ऐसा है इतना खूबसूरत लग रहा है ये। अब ये है कि ये कितना यूज़फुल है। अब इसमें हमने चार्जर लगा के चेक करना है कि ये वर्क कैसा कर रहा है। ओके सो गाइस, मेरे पास बैटरी आ गई है। सो गाइस ये बैटरी ख़राब है। अच्छा सही है, ये देखें ये बैटरी जो है ना मेरे हाथ से एक दफ़ा स्लिप हो गई थी और ये आके ऐसे आके ज़मीन पे गिर गई थी। सही है, जिसकी वजह से बेकार हो गई है बिल्कुल, इसके वॉल्ट वगैरह सब ख़त्म हो गए। मतलब ये पहले थी 13.4 वॉल्ट था इसके अंदर, सही है फुल चार्ज पे। और अब ये है कि जब इसको फुल चार्ज करता हूँ तो उसके 9 वॉल्ट आते हैं, 10 वॉल्ट आते हैं। सही है, तो खैर इतने में मोबाइल तो चार्ज हो जाएगा। सही है, तो आइए मोबाइल चार्ज करते हैं। सो गाइस ये रहा खालू का चार्जर। सही है, अब वो देख रहे होंगे वीडियो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। उनका चार्जर भी चेक हो जाएगा कि सही है कि नहीं है। लेट्स सी, पॉजिटिव का पॉजिटिव में और नेगेटिव का नेगेटिव में। अरे ऑन हो गया। सो गाइस ये देखें कितना अच्छा है ये। और देखो 10 वोल्ट दिखा रहा है ये, 10 वोल्ट। सही है, 12 वोल्ट दिखाना चाहिए, 10 वोल्ट दिखा रहा है। सही है, अब इसमें हम मोबाइल चार्ज करेंगे। मेरा मोबाइल तो अम्मी के पास है लेकिन हम अम्मी का मोबाइल चार्ज करेंगे। केबल लगा देते हैं। सो गाइस देखें ये चार्ज कर रहा है। अब ये है कि मैं नानी के घर जाऊंगा ना तो मैं ये लेके जाऊंगा और वहाँ पे अगर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ तो मैं इससे चार्ज कर सकता हूँ। उनके घर 3-3 घंटे की 3 दफा लोड शेडिंग होती है। असंभव, असंभव। तो सोचिए किसी का भी मोबाइल जो है वो डेड हो सकता है। बात तो सही है। सो गाइस ये गैजेट आपको यकीनन पसंद आया होगा। सही, और इससे हमने मोबाइल भी चार्ज करके देख लिया है। सही है, अब बात कर लेते हैं गाड़ी की प्रॉब्लम की, कि मैंने अभी ये गाड़ी में कैसे काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो है ये मैं डायरेक्ट बैटरी से लगाऊंगा और इसमें मेरा कोई भी फ्यूल ज़ाया नहीं होगा गाड़ी का। और इसमें जो है जब मैं अपने गाड़ी में जो मेरा लाइटर लगा हुआ है तो जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो इसमें मेरा फ्यूल ज़ाया होता है। क्यों ज़ाया होता है मैं अभी देखेंगे। ये मैंने लगाया, सही है, अब ये ऑन नहीं है। सही है, जब तक मैं गाड़ी ऑन नहीं करता, ये मैंने गाड़ी ऑन कर दी और मेरा फ्यूल पंप भी स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से मेरा पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। सही है, और देखें ये चल गया, ये ऑन हो गया। सही है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि मेरा जो है फ्यूल भी ज़ाया हो रहा है। सही है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया ये मैंने इसी काम के लिए बनाया है कि मैं इंजन बंद करके इसको डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करके गाड़ी की टायर में हवा भर सकता हूँ। पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में लगाते हैं। उसके बाद एयर पंप का प्लग जो है प्लग इन करते हैं। देखें ये ऑन हो गया है। तो गाइस मेरे दोनों गैजेट बहुत अच्छे काम कर रहे थे और मेरा चार्जर जो है बिल्कुल भी हीट अप नहीं हो रहा था। सो गाइस आई होप कि आपको मेरा गैजेट पसंद आया होगा और आई होप कि आपको मेरी वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो यार अगर मेरी वीडियो आपको वाकई में पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कॉमेंट्स कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। सही है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके भाई को। सही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।